बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया, वो मीडिया जो फिज़िकल इन नेचर है, जिसको हम टच कर सकते हैं, फिज़िकल लिंक्स है, फिज़िकल चैनल है, जिसकी मिसाल आपके पास ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है और फाइबर ऑप्टिक केबल है। ठीक है, तो मीडिया मीन थ्रू विच मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडिया, गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीन विच कंटेन्स वेव्स, जिस तरह रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड वेव्स हैं, तो इसके ज़रिए डेटा की ट्रांसमिशन होती है, इनको वायरलेस मीडिया भी कहा जाता है। ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ये दोनों दरअसल कॉपर वायर से बने होते हैं, जबकि फाइबर ऑप्टिक केबल ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। जैसे कि नाम से जाहिर है, इसके जो कॉपर कोर होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट होते हैं। ठीक है, अब ट्विस्ट का मकसद क्या है, ताकि नॉइज़ को, जो शोर है, नॉइज़ है, इंटरफेरेंस है, उसको कैंसल आउट किया जाए। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल इज़ कम्पोज ऑफ टू इंसुलेटेड कॉपर वायर्स ट्विस्टेड टुगेदर। इंसुलेटेड मीन कि उसके ऊपर प्लास्टिक कवर होता है और वो एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट होते हैं, और ट्विस्टेड का मकसद क्या है कि वो इंटरफेरेंस को और नॉइज़ को कैंसल आउट करें। द वायर्स आर ट्विस्टेड विद ईच अदर टू मिनिमाइज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मुदाखलत, शोर या सिग्नल की ओवरलैपिंग, इसको मिनिमाइज किया जाए। ट्विस्टेड पेयर्स हैव फीवर बैंडविड्थ देन कोएक्सियल केबल, और ट्विस्टेड पेयर केबल की बैंडविड्थ कैपेसिटी कम होती है कोएक्सियल केबल की, और फाइबर ऑप्टिक केबल की ज़्यादा होती है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। द फर्स्ट इज अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, जैसे कि नाम से जाहिर है, इसके ऊपर एक्स्ट्रा मेटल कवर नहीं होती, जिसकी वजह से ये ख़राब हो सकती है, या फिर ये इसमें इंटरफेरेंस, नॉइस सिग्नल, अनवांटेड सिग्नल क्रिएट हो सकते हैं, जबकि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर के ऊपर एक दूसरा जैकेट होता है, मेटल फॉयल होता है, जिसकी वजह से वो मोर प्रोटेक्टेड होती है, लेकिन ये इनएक्सपेंसिव है, और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो एक्सपेंसिव है। ये जो टेलीफोन वायर्स हैं, DSL है, ये दरअसल अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल इस्तेमाल कर दें, और इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, वो 1 किलोमीटर तक हो सकती है। 1 किलोमीटर के बाद इसके सिग्नल कमज़ोर होना शुरू हो जाते, इसका मतलब है रिपीटर की ज़रूरत होती है। UTP इज़ मोस्ट कॉमनली यूज नेटवर्किंग वायर, ज़्यादातर UTP देखिए, ये एक्सपेंसिव है और फ्लेक्सिबल है, मतलब इसको मोड़ा जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर दूसरा मेटल फॉयल नहीं होता, कॉपर फॉयल नहीं होता, जिसकी वजह से ये फ्लेक्सिबल है, आसानी के साथ मोड़ा तोड़ा जा सकता है। लाइट वेट है, दस मेकिंग इट इजी टू वर्क विद, इसके साथ काम आसानी के साथ हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, मोड़ा जा सकता है, इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते। द क्वालिटी ऑफ UTP मे वेरी फ्राम टेलीफोन ग्रेड वायर टू एक्सट्रीमली हाई स्पीड केबल। सबसे कम क्वालिटी टेलीफोन ग्रेड वायर की है, और हाईएस्ट क्वालिटी जो है वो केबल की है। द केबल हैज़ 4 pairs ऑफ वायर्स इन साइड द जैकेट, मीन एक पेयर में 2 wires होते हैं जो ट्विस्ट होते। द अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल प्रोवाइड्स अ बैंडविड्थ ऑफ 100 kbps, Category 1 जो टेलीफोन के इस्तेमाल होती है, ठीक है, 100 kbps, एक सेकेंड में 100 kbps ट्रांसमिट कर सकते हैं। और जो Category 7 है, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का 1000 mbps को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है, किलोबिट्स और मेगाबिट। द स्टैंडर्ड कनेक्टर फॉर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल इज RJ45 इस्तेमाल होता है। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल को कंप्यूटर के साथ या टेलीफोन के साथ कनेक्ट करने के लिए। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, द डिफरेंस बिटवीन UTP एंड STP इज दैट STP यूज मेटालिक शील्ड रेप्ड, जिसकी वजह से ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, ये सख्त होता है, इसको इस्तेमाल करना मुश्किल है, एक्सपेंसिव होता है,
टू प्रोटेक्ट द वायर फ्रॉम इंटरफेरेंस। मेन मकसद शील्ड का क्या है, मेटालिक शील्ड का, कि इसको इंटरफेरेंस से, मुदाखलत से, नॉइस से प्रोटेक्ट किया जाए। शील्डेड केबल कैन हेल्प टू एक्सटेंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द केबल, जिसकी वजह से इसकी मैक्सिमम केबल लेंथ भी ज़्यादा हो जाती है। डेटा रेट ऑफ एसटीपी इज 16 to 155 मेगाबिट्स पर सेकेंड, उसकी किलोबिट्स में, और ये मेगा। इट कॉस्ट मोर देन यूटीपी, और इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब आप इस फिगर में देखिए कि यूटीपी और एसटीपी में दरअसल क्या फ़र्क है। एसटीपी ओवरऑल फॉल शीडेड, ये भी कॉपर का बना होता है। ठीक है, कॉपर का बना होता है। पहले ये तो आप देखिए कि दो दो पेयर हैं। ठीक है, और उसके बाद हर एक केबल के ऊपर इंसुलेशन है और वो ट्विस्ट है। कंडक्टर मीन कॉपर वायर, ये केबल जैकेट है, और ये आपके पास दूसरा कॉपर कंडक्टर है, कॉपर है। ठीक है, कॉपर का फॉयल है। यहाँ पे देखिए केबल जैकेट है, और हर एक, ये देखिए इसको कहा जाता है ट्विस्ट, एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट है। कंडक्टर है, ठीक है, मेटल कॉपर है, और इसके ऊपर ये इंसुलेटिंग मीन प्लास्टिक। तो अब यहाँ पे और 1 2 3 4 आपके पास पेयर्स हैं, और कोई दूसरा इसके ऊपर मेटालिक फॉयल नहीं, इसलिए ये अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है, और इसके ऊपर जो है मेटालिक फॉयल है। ठीक है, तो ये तो आपके पास शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।